हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हम वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पर वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। और ये वीडियो मैं किसी के रिकमेंडेशन पर कवर कर रहा हूँ, तो और आप किसी टॉपिक पर चाहते तो भी कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी कवर करूंगा। तो इस वीडियो में महात्मा गांधी पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज महात्मा गांधी बॉर्न? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और गुजरात में कहाँ हुआ था? तो गुजरात में इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। और कब? तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। और इनका वास्तविक नेम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका वास्तविक नेम मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनके पेरेंट्स का नाम देखें तो इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी और इनके मदर का नाम था पुतली बाई। तो ये इनके पेरेंट्स थे महात्मा गांधी के। बट आपसे पूछ रहा है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? निम्न में से किसके द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है? तो आपको बताना है ऑप्शन में से किसके द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ हिज फ्लोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट एज स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूएट? महात्मा गांधी अपने निम्न से किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहते? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहते हैं, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है हिंद स्वराज। और यह पुस्तक महात्मा गांधी कब लिखे थे? तो ये पुस्तक 1909 में महात्मा गांधी लिखे थे। 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वाज थ्रोन फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पीटर मेरिट्सबर्ग। पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को फेंका गया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और इनको क्यों फेंका गया था? तो इनको क्लास डिस्क्रिमिनेशन की वजह से 1893 में एक अंग्रेज के द्वारा ट्रेन से बाहर फेंका गया था, क्योंकि इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। नेक्स्ट है, इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट वाज मेनली अगेंस्ट? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन मेनली किसके खिलाफ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ था साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का सत्याग्रह, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये आपको बताना है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से परमानेंटली कब लौट गए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1950। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से परमानेंटली लौट गए थे, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1950। और ये कब गए थे साउथ अफ्रीका? तो ये 1893 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। और ये क्यों गए थे? तो इंडियन मर्चेंट का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे 1893 में। और ये 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट गए थे इंडिया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स महात्मा गांधी स्पेंड इन साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 21 ईयर्स। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में 21 ईयर्स बिताए, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 21 ईयर्स। नेक्स्ट है, इन विच ईयर गांधी जी स्टैब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात? गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो ये आपको बताना है गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना गुजरात में किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1915। 1915 में किया गया था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और ये दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद के कोचराब क्षेत्र में किए थे। अहमदाबाद के कोचराब क्षेत्र में किए थे। और इसे 2 साल के बाद 1917 में रिलोकेट किया गया था, साबरमती नदी के तट पर इसे रिलोकेट किया गया था। बट इसका स्थापना 1915 में किया गया था अहमदाबाद के कोचराब क्षेत्र में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पेरियोडिकल पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो ये आपको बताना है, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो उस टाइम कौन सा पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर इंडियन ओपिनियन। और ये कब किया गया था? तो ये 1904 के आसपास में किया गया था और ये 1915 तक मौजूद में था।
नेक्स्ट है, वेयर डिड महात्मा गांधी हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला पब्लिक स्पीच कहाँ दिए थे? तो ये आपको बताना है महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीच कहाँ दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में BHU के नाम से जानते होंगे। तो BHU में फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिक स्पीच दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और ये कब दिया गया था? तो ये 4 फरवरी 1960, 4 फरवरी 1916 में BHU में महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीच दिया गया था। नेक्स्ट है, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू किए थे? ये आपको बताना है महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चंपारण, बिहार के चंपारण में शुरू किया गया था फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और ये चंपारण में कब शुरू किए थे? तो 1917 में किए थे। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डेट भी पूछे जाते हैं। तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, विथ विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी इंटर इंडियन पॉलिटिक्स? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किए? तो आपको बताना है महात्मा गांधी किस आंदोलन के साथ इंडियन पॉलिटिक्स में प्रवेश किए थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट के साथ महात्मा गांधी भारतीय पॉलिटिक्स में प्रवेश किए थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है चंपारण मूवमेंट। नेक्स्ट है, हु इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण? चंपारण में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट है, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ आपको बताना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और मैं इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर पर भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिख दे दूंगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी गेव गुरुदेव टू, महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दिए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी गुरुदेव की उपाधि दिए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, हु आर द पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ गांधी जी? गांधी जी के पॉलिटिकल ग्रुप कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के पॉलिटिकल ग्रुप थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? असहयोगी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1920, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1920। नेक्स्ट है, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922? गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है चोरी चोरा इंसिडेंट। नेक्स्ट, वेयर वॉज फर्स्ट पेजेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चंपारण, चंपारण में पहला किसान आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चंपारण। नेक्स्ट है, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया वाज, यंग इंडिया के संपादक थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। और ये मैगजीन महात्मा गांधी के द्वारा 1919 से 1931 तक पब्लिश हुआ था, 1919 से 1931 तक पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज डिड महात्मा गांधी पब्लिश हरिजन न्यूज़पेपर? महात्मा गांधी ने हरिजन न्यूज़पेपर किस भाषा में प्रकाशित किए थे? तो आपको लैंग्वेज बताना है किस लैंग्वेज में हरिजन न्यूज़पेपर को महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंग्लिश, इंग्लिश में हरिजन न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और ये कब किया गया था? ये 1933, 1933 में किया गया था। और इसी दौरान महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती में हरिजन बंधु पब्लिश किया गया था और हिंदी में हरिजन सेवक पब्लिश किया गया था। और इंग्लिश में बात करें तो हरिजन इंग्लिश में पब्लिश किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों फैक्ट्स। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग वाई द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वॉज प्रिसाइडेड बाई महात्मा गांधी? निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बेलगाम, बेलगाम सेशन एकमात्र ऐसा सेशन था
जिसका अध्ययन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये सेशन कब ऑर्गेनाइज किया गया था? ये सेशन 1924 में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस सेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, ये सेशन बेलगाम में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे? ये आपको बताना है, महात्मा गांधी के द्वारा साल्ट सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है साबरमती। साबरमती में महात्मा गांधी के द्वारा साल्ट सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और साल सत्याग्रह को दांडी मार्च भी कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साल सत्याग्रह को दांडी मार्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस दांडी मार्च? गांधी जी ने किस वर्ष प्रसिद्ध दांडी मार्च निकाले थे? मैं आपको बताना है, गांधी जी के द्वारा किस वर्ष फेमस दांडी मार्च निकाला गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1930, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा फेमस दांडी मार्च निकाला गया था। और यह मार्च 24 डे चला था, यह मार्च 24 डे चला था, 24 दिन यह मार्च चला था। ऑप्शन बी द राइट आंसर है, 1930 में फेमस दांडी मार्च निकाला गया था। नेक्स्ट, विच मूवमेंट बिगेन विथ दांडी मार्च? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ साल्ट सत्याग्रह का नेतृत्व की थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, द हिस्टोरिक दांडी मार्च वॉज एसोसिएटेड विथ? हिस्टोरिक दांडी मार्च किससे जुड़ा था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, नमक कानून के उल्लंघन से हिस्टोरिक दांडी मार्च जुड़ा था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह? इंडिपेंडेंस के लिए भारत के संघर्ष के दौरान सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सत्याग्रह भारत में शुरू किए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जो इंडिया में सत्याग्रह शुरू किए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी वॉज नेम टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर? इस वर्ष महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1930, 1930 में महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1930। और ये पहले नॉन अमेरिकन बने थे, महात्मा गांधी ये पहले नॉन अमेरिकन बने थे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1931, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1931। और यह हस्ताक्षर किसके बीच हुआ था? यह हस्ताक्षर महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, हु प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है तेज बहादुर सपरू। तेज बहादुर सपरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविन पैक्ट के हस्ताक्षर में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है तेज बहादुर सपरू। नेक्स्ट, एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, वेयर वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लंदन। लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लंदन। और ये लंदन में कब किया गया था? ये लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लंदन। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है महात्मा गांधी। और ये कब किए थे महात्मा गांधी? तो 1932 में महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ के स्थापना किए थे। और ऑल इंडिया हरिजन संघ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था।
नेक्स्ट है, वेन वॉज पूना पैक्ट साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1932, 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1932। और मैं इससे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1942, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1942। और 1942 में कब किया गया था? 1942 में 8 अगस्त को किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू। और क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, या हिंदी में इसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को। नेक्स्ट है, डू और डाई स्लोगन इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो का नारा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी फेमस ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रेशिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल्स ऑफ? महात्मा गांधी का प्रसिद्ध टिप्पणी दुर्घटनाग्रस्त बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन के प्रस्तावों के बारे में है? तो यहाँ आपको बताना है महात्मा गांधी का फेमस कमेंट ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रेशिंग बैंक ये किस मिशन के प्रस्तावों से संबंधित है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन से संबंधित है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी राइट पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम इवन प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ अनार्की? जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न से किस एक आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लिखा था, व्यक्तिगत रूप से मैं गुलामी से इतना बीमार हूँ कि मैं अराजकता का उदय लेने के लिए भी तैयार हूँ? तो आपको बताना है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ऐसा लिखे थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ऐसा लिखे थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट्स गांधी जी नोट एसोसिएटेड? गांधी जी निम्न से किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? ये आपको बताना है ऑप्शन में से किस आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट से गांधी जी नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत 1905 में हुआ था। तो इस आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े थे, क्योंकि इस दौरान गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। नेक्स्ट है, इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे? ये आपको बताना है महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट, हु गेव द टाइटल फादर ऑफ नेशन टू द महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो आपको बताना है महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन जर्नलिस्ट एकम्पनीड महात्मा गांधी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? निम्न से कौन सा अमेरिकन जर्नलिस्ट भारत छोड़ आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे? ये आपको बताना है जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम कौन से अमेरिकन जर्नलिस्ट महात्मा गांधी के साथ थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लुइस फिशर, लुइस फिशर ये उस टाइम महात्मा गांधी के साथ थे जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। ऑप्शन बी द राइट आंसर है लुइस फिशर। नेक्स्ट, गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय से गांधी जी प्रभावित थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लियो टॉलस्टॉय। और लियो टॉलस्टॉय ये कौन थे? एक रशियन राइटर थे जिनको अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट ऑथर में से एक माना जाता है, इनको अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट ऑथर में से एक माना जाता है, एक रशियन राइटर थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गांधी जी इनसे प्रभावित थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कंसीडर खादी एज ए सिंबल ऑफ, महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का प्रतीक मानते थे खादी को। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेग्ड फकीर, गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? तो ऑप्शन
बी द राइट आंसर है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर है विंस्टन चर्चिल। और ये कौन थे विंस्टन चर्चिल? तो ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? महात्मा गांधी खिलाफत मूवमेंट क्यों सपोर्ट करना चाहते थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट जीतने के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट में इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट जीतने के लिए खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स? महात्मा गांधी का निम्न में से कौन सा संघर्ष इंडस्ट्रियल वर्कर से संबंधित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अहमदाबाद स्ट्रगल। अहमदाबाद स्ट्रगल ये इंडस्ट्रियल वर्कर से संबंधित है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अहमदाबाद स्ट्रगल। नेक्स्ट है, हु एड्रेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है माउंटबेटन। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में संबोधित किया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है माउंटबेटन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कैंपेट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के क्लोज इंग्लिश फ्रेंड कौन थे? तो आपको क्लोज इंग्लिश फ्रेंड बताना है महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है चार्ल्स प्रियर एंड्रूज। चार्ल्स प्रियर एंड्रूज ये महात्मा गांधी के क्लोज इंग्लिश फ्रेंड थे, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है चार्ल्स प्रियर एंड्रूज। नेक्स्ट है, सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस, हु सेड दिस? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, हु आर द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वाज रिटेन हिज ऑटोबायोग्राफी इन विच लैंग्वेज? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखे थे? तो ये आपको बताना है महात्मा गांधी के द्वारा अपनी आत्मकथा किताब किस भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गुजराती। गुजराती में महात्मा गांधी के द्वारा अपनी आत्मकथा किताब लिखा गया था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गुजराती। और महात्मा गांधी का ऑटो बायोग्राफी किताब कौन सा है? तो द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी बुक है। नेक्स्ट है, वेयर वाज महात्मा गांधी वेन इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यहाँ आपको महात्मा गांधी के बारे में बताना है, उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे जब भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था 15 अगस्त 1947 को? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कलकत्ता। ये उस टाइम कलकत्ता में थे जब भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कलकत्ता। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड वाइंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेन फ्रीडम? निम्न में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया था? ये आपको बताना है ऑप्शन में दिए गए किसके द्वारा भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को समापन करने का सुझाव दिया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इन विच ईयर महात्मा गांधी असैसिनेटेड? महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1948, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1948। और ये 1948 में कब हुआ था? तो 1948 में 30 जनवरी को एसेसिनेट किया गया था, और ये उस टाइम 78 ईयर्स के था। और इनका हत्या कहाँ किया गया था? तो इनका हत्या बिरला हाउस जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तो यहाँ इनका हत्या किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड बाय? महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी का हत्या किया गया था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर नाथुराम गोडसे। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है खान अब्दुल गफार खान। और इनको बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान को?
और खान अब्दुल गफार खान ये पहले विदेशी नागरिक बने थे, भारत रत्न पाने वाले, भारत रत्न पाने वाले पहले फॉरनर बने थे 1987 में। तो ऑप्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बट आपसे पूछ रहा है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द समाधि साइट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के समाधि साइट का क्या नाम है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है राजघाट, महात्मा गांधी के समाधि साइट का नाम राजघाट है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है राजघाट। और राजघाट ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है राजघाट। और जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा विजय घाट, विजय घाट ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि साइट है और ये भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट है शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी का समाधि साइट है और ये भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट है चैत्य भूमि, तो चैत्य भूमि आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है ये किस महापुरुष का समाधि साइट है, तो ये आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लुइस फिशर, लुइस फिशर ये महात्मा गांधी के द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लुइस फिशर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी फेवरेट भजन वैष्णो जन तो प्ले इन ऑल हिज प्रेयर मीटिंग वाज रिटेन बाय, महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो जो उनकी सभी प्रार्थना सभा में बजाया जाता था ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको यहाँ बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है नरसिंह मेहता, ये नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो। और नरसिंह मेहता ये कब लिखे थे, तो ये 15th सेंचुरी में गुजराती लैंग्वेज में लिखे थे, गुजराती लैंग्वेज में नरसिंह मेहता 15th सेंचुरी में लिखे थे। नेक्स्ट है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज विच डे, महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी को किस दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी को बताना है, इनके बर्थ एनिवर्सरी को किस दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस रूप में महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और इनका बर्थ 2 अक्टूबर को हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। नेक्स्ट हु इज नोन एज द अमेरिकन गांधी, अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बीइंग गांधी, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पारो आनंद, पारो आनंद ये बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पारो आनंद। और ये महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, ये महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ का प्रतीक है ये पुस्तक। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, एंड यदि किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो सचमुच में आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।